नमस्कार दोस्तों, हमारे YouTube चैनल झारखंड डिफेंस जो में आपका फिर से स्वागत है। यदि आप हमारे चैनल में नए हैं तो हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करने के लिए इस लाल बटन को दबाकर सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ में इस बेल घंटी की भी दबा दीजिए जिससे कोई भी वीडियो डालूँ तो आपके पास लेटेस्ट वीडियो का अपडेट सबसे पहले पहुँच सके। दोस्तों, हम आपको पहले ही बताए थे कि उत्पाद सिपाही और स्पेशल ब्रांच कॉन्स्टेबल का क्लास 3 तारीख से स्टार्ट होने वाला है, जो आज स्टार्ट कर रहा हूँ। तो जो नए हैं स्पेशल ब्रांच कॉन्स्टेबल और उत्पाद सिपाही का तैयारी करना चाहते हैं, वो हमारे YouTube चैनल से जल्द जुड़ जाए, जिससे मैं आपको झारखंड GK और हिंदी व्याकरण का वीडियो अपलोड कर सकूँ। तो चलिए, आज जो बात करने जा रहे हैं बिरसा मुंडा का उलगुलान विद्रोह के बारे में पढ़ेंगे आज, तो स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1, बिरसा मुंडा आंदोलन का अन्य नाम क्या था? हुल आंदोलन, ऑप्शन नंबर 1 हुल आंदोलन, ऑप्शन नंबर 2 उलगुलान आंदोलन, ऑप्शन नंबर 3 जोहार आंदोलन, ऑप्शन नंबर 3 इनमें से कोई नहीं। इसका जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर 2 उलगुलान आंदोलन। क्वेश्चन नंबर 2, उलगुलान विद्रोह का संबंध किससे है? ऑप्शन नंबर 1 बिरसा मुंडा, ऑप्शन नंबर 2 जतरा भगत, ऑप्शन नंबर 3 बुधू भगत, ऑप्शन नंबर 3 तिलका मांझी। इसका जो राइट आंसर होगा दोस्तों ए राइट आंसर बिरसा मुंडा। क्वेश्चन नंबर 3, मुंडा विद्रोह का प्रारंभ कब हुआ था? इसका जो राइट आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन नंबर 1 1875, ऑप्शन नंबर 2 1885, ऑप्शन नंबर 3 1895, ऑप्शन नंबर 3 1901। इसका जो राइट आंसर होगा सी 1895। क्वेश्चन नंबर 4, बिरसा मुंडा ने स्वयं को भगवान का दूत कब घोषित किया? ऑप्शन नंबर 1 1895, ऑप्शन नंबर 2 1899, ऑप्शन नंबर 3 1900, ऑप्शन नंबर 3 1902। इसका जो राइट आंसर होगा ए 4 राइट आंसर 1895 ईस्वी। क्वेश्चन नंबर 5, मुंडा विद्रोह के क्या कारण थे? ऑप्शन नंबर 1 राजस्व दर ऊंचा होना, ऑप्शन नंबर 2 ईसाई मिशनरियों की दुष्पूर्ण नीति, ऑप्शन नंबर 3 जमींदारों व साहूकारों की शोषक नीति, और ऑप्शन नंबर 3 उपयुक्त सभी। इसका जो राइट आंसर होगा उपयुक्त सभी। बिरसा मुंडा के आंदोलन का केंद्र कहाँ था? ऑप्शन नंबर 1 रांची, ऑप्शन नंबर 2 खूंटी, और ऑप्शन नंबर 3 जमशेदपुर, ऑप्शन नंबर 3 धनबाद। तो 6 का जो राइट आंसर होगा बी खूंटी। क्वेश्चन नंबर 7, निम्न में से कौन सा विद्रोह मुख्यतः मुंडा जनजाति में प्रचलित सामूहिक खेती की व्यवस्था खुट्टी कटी को समाप्त कर बेट बेगारी प्रथा द्वारा उनका शोषण किए जाने खिलाफ संगठित हुआ था? तो ऑप्शन नंबर 1 संथाल विद्रोह, ऑप्शन नंबर 2 मुंडा विद्रोह, ऑप्शन नंबर 3 कोल विद्रोह, ऑप्शन नंबर 3 इनमें से कोई नहीं। तो 7 का जो राइट आंसर होगा बी मुंडा विद्रोह। क्वेश्चन नंबर 8, मुंडा विद्रोह का प्रारंभिक स्वरूप था? ऑप्शन नंबर 1 सुधारवादी, ऑप्शन नंबर 2 आदर्शवादी, ऑप्शन नंबर 3 व्यक्तिवादी, ऑप्शन नंबर 3 इनमें से कोई नहीं। तो मैं आपको बता दूं इसका जो राइट आंसर होगा 8 सुधारवादी। क्वेश्चन नंबर 9, कटुंग बाबा कटुंग किस विद्रोह के गीत थे? ऑप्शन नंबर 1 कोल विद्रोह, ऑप्शन नंबर 2 संथाल विद्रोह, ऑप्शन नंबर 3 मुंडा विद्रोह, ऑप्शन नंबर 3 हो विद्रोह। तो इसका जो राइट आंसर होगा मुंडा विद्रोह। कटुंग बाबा कटुंग जो गीत थे वो मुंडा विद्रोह के गीत थे, ऑप्शन नंबर 3। वर्ष 1899 और 1900 के मुंडा क्रांति के नेता कौन थे? ऑप्शन नंबर 1 सिद्धू, ऑप्शन नंबर 2 बुधू बुलाह भगत, ऑप्शन नंबर 3 बिरसा मुंडा, ऑप्शन नंबर 3 शंभू धान।
तो 10 नंबर का जो राइट आंसर होगा वो होगा बिरसा मुंडा, ऑप्शन नंबर सी। बिरसा मुंडा को प्रथम बार कब गिरफ्तार किया गया था? तो ऑप्शन नंबर ए 24 अगस्त 1895, ऑप्शन नंबर बी 20 नवंबर 1895, ऑप्शन नंबर सी 1 जनवरी 1899, ऑप्शन नंबर डी 9 जनवरी 1900। तो 11 का जो राइट आंसर होगा 24 अगस्त 1895 ईस्वी को बिरसा मुंडा को प्रथम बार गिरफ्तार किया गया था, इसलिए 11 का जो राइट आंसर होगा ए। क्वेश्चन नंबर 12, बिरसा मुंडा को सर्वप्रथम गिरफ्तार करने वाला पुलिस अधिकारी कौन था? तो 12 का जो राइट आंसर हो, 12 का जो बिरसा मुंडा को सर्वप्रथम गिरफ्तार करने वाला पुलिस अधिकारी कौन था? ऑप्शन नंबर ए कैप्टन विल्किंसन, ऑप्शन नंबर बी मेजर रफसेज, ऑप्शन नंबर सी मेयर्स, ऑप्शन नंबर डी इनमें से कोई नहीं। तो 12 का जो राइट आंसर होगा मेयर्स सी। बिरसा मुंडा, क्वेश्चन नंबर 13, बिरसा मुंडा को पहली बार जेल से कब मुक्त किया गया था? ऑप्शन नंबर ए 30 जनवरी 1897, ऑप्शन नंबर बी 30 नवंबर 1897 ईस्वी, ऑप्शन नंबर सी 9 जून 1900, ऑप्शन नंबर डी 9 जनवरी 1902। तो 13 का जो राइट आंसर होगा 30 नवंबर 1897 ईस्वी बिरसा मुंडा को पहली बार जेल से मुक्त किया गया था, ऑप्शन नंबर बी 13 का। क्वेश्चन नंबर 14, मुंडा विद्रोह के किस नेता को 30 नवंबर 1897 ईस्वी को ब्रिटेन की महारानी विक्टोरिया की हरित जयंती मनाने के अवसर पर मुक्त किया गया था? तो 14 का जो ऑप्शन नंबर ए चांद, ऑप्शन नंबर बी अर्जुन मुंडा, ऑप्शन नंबर सी रामनाथ मुंडा, ऑप्शन नंबर डी बिरसा मुंडा। तो 14 का जो राइट आंसर होगा बिरसा मुंडा। क्वेश्चन नंबर 15, बिरसा मुंडा द्वारा 25 दिसंबर 1899 ईस्वी को अंग्रेजों के विरुद्ध विद्रोह करने का निर्णय कहाँ लिया गया था? तो इसका जो ऑप्शन नंबर ए डुम्बारू बुरु, ऑप्शन नंबर बी घाटशिला, ऑप्शन नंबर सी सारंडा, ऑप्शन नंबर डी पारसनाथ। तो जो इसका जो 15 का जो राइट आंसर होगा ए डोम्बारू बुरु, ए डोम्बारू बुरु जो है दोस्तों ये खूंटी जिला में है, खूंटी जिला। क्वेश्चन नंबर 16, बिरसा मुंडा ने निम्न में से किसे अपना आंदोलन के धार्मिक सामाजिक शाखा के प्रमुख बनाया? ऑप्शन नंबर ए डोनका मुंडा, ऑप्शन नंबर बी सोमा मुंडा, ऑप्शन नंबर सी टिपरू मुंडा, ऑप्शन नंबर डी जोहन मुंडा। तो इसका जो राइट आंसर होगा सोमा मुंडा, ऑप्शन नंबर बी 16 का। क्वेश्चन नंबर 17, बिरसा मुंडा ने निम्न में से किसे अपने आंदोलन के राजनीतिक शाखा का प्रमुख बनाया था? ऑप्शन नंबर ए रीरा मुंडा, ऑप्शन नंबर बी पंडू मुंडा, ऑप्शन नंबर सी टिपरू मुंडा, ऑप्शन नंबर डी डोनका मुंडा। तो 17 का जो राइट आंसर होगा डी डोनका मुंडा, 17 का राइट आंसर डी। क्वेश्चन नंबर 18, बिरसा मुंडा के सेना के सेनापति कौन थे? ऑप्शन नंबर ए गया मुंडा, ऑप्शन नंबर बी सोमा मुंडा, ऑप्शन नंबर डी डोनका मुंडा, ऑप्शन नंबर डी इनमें से कोई नहीं। इसका जो राइट आंसर होगा 18 का ए गया मुंडा, इसको आप याद कर लीजिए। क्वेश्चन नंबर 19, मुंडा विद्रोह में महत्वपूर्ण भूमिका निभाने वाली माकी निम्न में से किसकी पत्नी थी? ऑप्शन नंबर ए बिरसा मुंडा, ऑप्शन नंबर बी गया मुंडा, ऑप्शन नंबर सी सोमा मुंडा, ऑप्शन नंबर डी डोनका मुंडा। तो 19 का जो राइट आंसर होगा गया मुंडा, 19 का बी राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 20, बिरसा मुंडा को पकड़वाने हेतु कितने रुपये का इनाम घोषित किया गया था? तो ऑप्शन नंबर ए 50 रुपये, ऑप्शन नंबर बी 100 रुपये, ऑप्शन नंबर सी 200 रुपये, ऑप्शन नंबर डी 500 रुपये। तो इसका जो राइट आंसर होगा 500 रुपये, डी 20 का डी 500 रुपये के लिए। क्वेश्चन नंबर 21, 3 फरवरी 1900 ईस्वी को बंदगांव के जगमोहन सिंह के आदमी वीर सिंह महिला आदि ने 500 रुपये इनाम के लालच में निम्न में से किसे गिरफ्तार करवा दिया था? तो ये पहले में ही दिया हुआ, इसका जो राइट आंसर
ऑप्शन नंबर ए बिरसा मुंडा, ऑप्शन नंबर बी बुद्धू भगत, ऑप्शन नंबर सी रामदयाल मुंडा, ऑप्शन नंबर डी तिलका मांझी। तो 21 का जो राइट आंसर होगा ए बिरसा मुंडा। क्वेश्चन नंबर 22, निम्नलिखित में से किस स्थान पर अंग्रेजों ने जलियांवाला बाग की तर्ज पर गोलियां बरसाई थी? ऑप्शन नंबर ए जंकोपाई, ऑप्शन नंबर बी डोंबारी पहाड़, ऑप्शन नंबर सी सरुवत पहाड़ी, ऑप्शन नंबर डी इनमें से कोई नहीं। इसका जो राइट आंसर होगा बी 22 का बी डोंबारी पहाड़, जो कि खूंटी जिला में है। क्वेश्चन नंबर 23, बिरसा मुंडा का निधन निम्न में से किस तिथि को हुआ था? ऑप्शन नंबर ए 1 जून 1900, ऑप्शन नंबर बी 9 जून 1900, ऑप्शन नंबर सी 2 जनवरी 1901, ऑप्शन नंबर डी 3 फरवरी 1902। इसका जो राइट आंसर होगा बी 23 का बी 9 जून 1900 ईस्वी को मृत्यु हुआ था। क्वेश्चन नंबर 24, बिरसा मुंडा की मृत्यु कहाँ के जेल में हुई थी? ऑप्शन नंबर ए हजारीबाग, ऑप्शन नंबर बी धनबाद, ऑप्शन नंबर सी रांची, ऑप्शन नंबर डी पलामू। इसका जो राइट आंसर होगा सी रांची। क्वेश्चन नंबर 25, बिरसा मुंडा की मृत्यु किस बीमारी से हुई थी? ऑप्शन नंबर ए कालाजार, ऑप्शन नंबर बी हैजा, ऑप्शन नंबर सी चेचक, ऑप्शन नंबर डी इनमें से कोई नहीं। इसका जो राइट आंसर होगा दोस्तों हैजा के कारण हुआ था, ऑप्शन नंबर बी। क्वेश्चन नंबर 26, बिरसा मुंडा के गुरु कौन थे? ऑप्शन नंबर ए आनंद पांडे, ऑप्शन नंबर बी विनोद तिवारी, ऑप्शन नंबर सी गणेश्वर शुक्ला, ऑप्शन नंबर डी अशोक पांडे। तो 26 का जो राइट आंसर होगा आनंद पांडे, 26 का ए राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 27, बिरसा विद्रोह के समय रांची के उपायुक्त कौन थे? ऑप्शन नंबर ए बिलकिंसन, ऑप्शन नंबर बी टेलर, ऑप्शन नंबर सी रफसेज, ऑप्शन नंबर डी स्ट्रेटफील्ड। तो 27 का जो राइट आंसर होगा डी स्ट्रेटफील्ड, 27 का आंसर राइट आंसर डी। क्वेश्चन नंबर 28, बिरसा मुंडा को आम जनजातियाँ क्या कहती है? ऑप्शन नंबर धरती बाबा एवं भगवान, ऑप्शन नंबर बी धरती पुत्र, ऑप्शन नंबर सी ऋषम गुरु, ऑप्शन नंबर डी इनमें से कोई नहीं। तो 28 का जो राइट आंसर होगा धरती बाबा एवं भगवान के नाम से बिरसा मुंडा को जाना जाता है, 28 का ए। क्वेश्चन नंबर 19, निम्न में से किस विद्रोह के परिणाम स्वरूप 1902 ईस्वी में गुमला एवं 1903 ईस्वी में खूंटी का अनुमंडल बनाया था? तो 29 का जो राइट आंसर होगा 30, ऑप्शन नंबर ए हो विद्रोह, ऑप्शन नंबर बी कोल विद्रोह, ऑप्शन नंबर सी बिरसा मुंडा विद्रोह, ऑप्शन नंबर सी डी संताल विद्रोह। इसका जो राइट आंसर होगा सी 29 का सी बिरसा मुंडा का विद्रोह। यदि हमारी वीडियो आपको अच्छा लगे तो हमारी वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिए और अपने फ्रेंड के साथ शेयर जरूर कर दीजिए। और दोस्तों की झारखंड जीके से रिलेटेड यदि किसी तरह का PDF चाहिए तो हमारे YouTube चैनल में कमेंट कीजिए, आपको मिल जाएगा। थैंक्स।